यो एक बार मैं बनारस में पहुंच गया हूं और ये सचल पशु बंदी वाहन नगर निगम वाराणसी उत्तर प्रदेश में चलाए जाते हैं, जिससे कि मैं पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश से एवं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को अवगत कराना चाहता हूं कि श्रीमान जी इसकी जरूरत तो शहरों में ही है, ठीक उसी प्रकार से गाँव में भी होनी चाहिए। और बहुत सारे पशु जो है बेजुबान पशु, गाय के बछड़े और जानवर रोड पे टहल रहे हैं, साथ ही साथ गांव में पांच बीघा खेत चरिया था भैया, ओका कौड़ो इलाज ना है बा। तो भैया पांच बीघा खेत न चरा, एक लिए सचल बंदी वाहन गांव में भी चलाया जाए। और जो भी हमारे इस खबर को देख रहे हैं, चैनल को पसंद आए तो लाइक व सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम पशुपालकों की समस्त इसी प्रकार की समस्याओं को एक बार पुनः YouTube के जरिए बंधु पशु वैक्सीनेटर सहायक फाउंडेशन रजिस्टर्ड भारत सरकार मंत्रालय डायरेक्टर प्रेसिडेंट डॉक्टर अमन शर्मा एडवोकेट जी अपने मत को व्यक्त करते हुए अपनी बात को और साथ ही साथ पशुपालकों के किसानों की बात को लेकर के, हित की बात को लेकर के मैं आया हूँ और इस पे निराकरण किया जाना चाहिए। और चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए, हमसे ज्यादा से ज्यादा संपर्क करने के लिए, अपना विचार देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 76 52 02 44 31 लाइव वाराणसी उत्तर प्रदेश इंडिया।